मैं शाम को आज हम पास्ता बना रहे हैं। मेरे पास है पास्ता है, और मेरे पास 1 कप केचप है, 2 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्च है, 1 चम्मच नमक है, हल्दी है, और ये मसाला है। और चटनी मैं मछली यूज कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून ऑयल है, और घी मतलब ज़रा सी मिर्ची है। अब मैं फिर इसको फ्राई कर लूँगी ऑयल में, ज़रा सा ऑयल मैंने डाला है, ज़रा सा जैसे ही फिर थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी उसमें मैं चटनी ऐड कर दूँगी। ये देखें कि फिश का कलर चेंज होना शुरू हो गया, गोल्डन हो गई फिश। अब इसके अंदर मैं केचप ऐड कर दूँगी, और इसमें मैं सारे नमक मिर्च डाल, ज़्यादा कैसे पसंद है वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैंने बस नॉर्मल थी थी, और 2 टेबल स्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च थी, और 1 टेबल स्पून नमक था, हल्दी थी ज़रा सी, और कुटा हुआ मसाला था। वो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। मसाला भी सुंदर ऐड कर दिया मैंने, देखें कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया था, तो मतलब एक मसाला जो काफ़ी अच्छा से भून सकता है। ऑयल ऊपर आ रहा है, जैसे ही ज़रा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा मैं पास्ता ऐड कर दूँगी उसके अंदर। मैं तो दोबारा से बता देती हूँ, मेरे पास पास्ता था और 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च में यूज़ कर रही थी, हल्दी थी मेरे पास 1/2 टेबल स्पून, और 3 फली मैं मछली यूज़ कर रही थी, फिश यूज़ कर रही थी। मसाला ऑयल ऊपर आ गया, और इसके अंदर पास्ता ऐड कर दिया, पास्ता ऐड करके इसके अंदर आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें। मैंने नीचे फ्लेम जो है बंद नहीं की, ज़रा सा से 10-15 मिनट मैं छोड़ पकाऊँगी ताकि जो सारा मसाला है पास्ते के अंदर चला जाए। ठीक है, सी हमारा पास्ता जो बिल्कुल रेडी हो गया, देख लें। अब हम इसकी गार्निश के लिए ज़रा सी जो मैंने मेथी रखी थी वो यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे मेथी की स्मेल गई। हमारा पास्ता रेडी हो गया, अभी से खाएं मत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।